जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश जैसा मैंने लाइव में बताया था कि पूज्य गुरुदेव श्री आदेश नाथ जी के आदेश पर इस गुप्त नवरात्र में हम एक साधना करवाएंगे वो है कुल देवी देवताओं की साधना बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा था और श्री गुरुदेव जी के चैनल पर भी बहुत लोगों ने पूछा कि अगर कुल देवी देवता विलुप्त हो जाए कुल देवी देवता के बारे में पता नहीं है या फिर गलत कुल देवी देवता पूज रहे हैं तो उसका जीवन में क्या प्रभाव होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो सारे प्रश्नों का उत्तर और पूर्ण रूप से उसका पूजा विधान इस नौ दिन में आप लोगों को करवाया जाएगा ये जो पूरा व्यवस्था है कुल देवी देवता साधना का ये पूज्य श्री गुरुदेव ही करवाएंगे मैं सिर्फ इसमें एक मॉडरेटर के रोल में रहूँगा ये व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि पूज्य श्री गुरुदेव सिर्फ अपने दीक्षित शिष्यों को ही मंत्र या विधान देते हैं लेकिन आप लोग भी क्योंकि जुड़े हुए हैं और आप लोगों का भी समाधान करना उनका फर्ज है इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है इसमें दो साधनाएं होंगी एक वैसे लोगों के लिए जिनको उनके कुल देवी देवताओं का ज्ञान है और दूसरे वो लोग जिनको कुल देवी देवताओं का ज्ञान नहीं है अपना इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा ये जो मैंने पिछले लाइफ में आप लोगों को बताया था कि अगर आप कहीं से गुरुमुख हुए हैं तो आपका कुल देवी और देवता बदल जाता है क्योंकि कुल देवी और देवता साधना मार्ग का विषय हो जाता है तब ठीक है आप इसमें जुड़ सकते हैं इस ग्रुप से जुड़ने का शुल्क है या दक्षिणा एक हज़ार रुपये है भेजने का तरीका वही कि आप मुझे पे या गूगल पे या किसी भी तरीके से मेरे नंबर पे इसकी दक्षिणा को भेज दीजिएगा आपको बीस तारीख को इस ग्रुप में जोड़ा जाएगा उसके बाद बीस तारीख को आपको सामग्री की लिस्ट बताई जाएगी कोई बहुत विशेष सामग्री नहीं लगेगी इसलिए अंतिम समय में आपको बीस तारीख को बताया जाएगा ताकि बाईस तारीख से आप पूजा इसकी शुरू कर सकें और इस साधना को नौ दिन के करने के बाद आप जीवन भर कर सकते हैं देखो कुल देवी देवता एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं इनके प्रसन्न या अप्रसन्न जैसे पितरों के प्रसन्न अप्रसन्न रहने से आपका कुछ लाभ कुछ हानि होता है कुल देवी या देवता के ला प्रसन्न या अप्रसन्न रहने से बहुत ज़्यादा लाभ और बहुत ज़्यादा हानि होती है ठीक है इसीलिए अपने कुल के कुल देवता को जानकर उनकी साधना करके उनको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए गूगल पे यूट्यूब पे कुछ ऐसी साधनाएं बताई गई हैं जो कि मंत्रविहीन होती हैं और सिर्फ साज सज्जा के हिसाब से वो पूजाएँ की जाती हैं लेकिन जो मूलभूत तांत्रिक प्रयोग है इस साधना का वो श्री गुरुदेव हम लोगों के बीच साझा करेंगे और एक बार हम लोगों के साथ साझा करेंगे तो हम लोग भी पूरे विश्व में उसको देते जाएंगे जिनके पास कुल देवी देवता नहीं है ये है तो वाम मार्गी साधना लेकिन विधान इसका पूर्ण गृहस्थ रूप का होगा मतलब आ, इसमें कपालिक कपालकों की तरह कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं होगा जो गृहस्थ में आप लोग वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वही वस्तुओं का प्रयोग होगा और शुद्ध सात्विक साधना होगी ठीक है ऐसे भी गुप्त नवरात्र है तो नवरात्र में सात्विक ही रहना चाहिए तो ये साधना हम लोग बाईस तारीख से शुरू करेंगे श्री गुरु जी गुरुदेव जी के आदेश और निर्देश पे इसमें जो भी डाउट होगा आपको पीडीएफ फाइल के रूप में और वीडियो और ऑडियो फाइल के रूप में आ, उस ग्रुप में दिया जाएगा ठीक है तो आप सब जुड़े जिनको भी कुल देवी देवता की साधना करनी है इस विषय में इतना ही जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे एक साधना ग्रुप में जुड़ सकते हैं उसका नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें जो शुरुआती मंत्र विधान है वो मैं बताता हूँ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 अघोर पर चले जाइए डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर मेरा प्रोफाइल है उस पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कुलदेवी देवता आप लोगों पे प्र, बहुत प्रसन्न हूँ ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश